बच्चों की कस्टडी बच्चों के फादर नशर अरमान के पास रहेगी। अब जब तक कि आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ जाती या तब तक आप बच्चों के पास नहीं जा सकते। मैं कोई पीता हुआ फल नहीं हूं जो गुजर जाएगा। मैं एक माँ हूं और मैं अपने बच्चों को लेने वापस जरूर आऊंगी। मेरे बच्चे मुझे मेरे जश्न और जहान से मिलना है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे ले चलो उनके पास। सौम्या वो दी तुझे डॉक्टर शिल्पी अपने कार में लेके जाएगी। कोली जी थैंक यू। मेरी एब्सेंस में मेरे मम्मी पापा शिल्पी सबका इतना ध्यान रखने के लिए। अरे सौम्या जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी है इतने अच्छे, जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं ना उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अच्छा दी, इतने सालों बाद तू अपने बच्चों से मिलेगी तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाएगी। एक ना अच्छा सा गिफ्ट लेके चलते हैं उनके लिए। 5 साल बाद मैं मिल रही हूँ उन्हें शिल्पी, पूरे 5 साल का प्यार दूंगी मैं उन्हें। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, प्लीज मुझे ले चलो उनके पास। सौम्या जी आप जाइए, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। मुझे आपके डिस्चार्ज के पेपर्स चेक करने और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साइन करने। मैं नहीं चाहता कि अरमान को फिर कोई मौका मिले और कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दे। सो आप चलिए, अंकल जी भी मेरे साथ रुक जाएंगे, उनके सिग्नेचर्स चाहिए। आप जाइए जी। आंटी जी देखिए जरा ध्यान रखिएगा, अरमान के घर में आप लोगों का कोई बुरा अनुभव ना हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।